टू फिंगर्स में हम इस तरीके से डोरी को लपेट लेंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस हमने एक तरफ सुई में धागा डाल रखा है और इसी ऊन का ही, और इसको हम इस तरीके से ये हम ऐसे निकालते जाएंगे। अब हम सुई को इस तरीके से बीच में से ऐसे निकालते जाएंगे। से निकालना हमें, समझ में आ रहा है ना आप सबको कि किस तरीके से हमें बनाना है। हमें नीचे से निकाल के इसके बीच में से इस तरीके से निकालना है और उसको इस तरीके से हम करेंगे तो इस तरह की शेप आ जाएगी। से आ गया है ये, अब बस थोड़ा सा और है। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में ही मोती डाल देंगे। ये हमारा ऐसा बनके आ गया। अब हम इसी में क्या करेंगे, बीच में से हम ऐसे करके निकालेंगे और एक हमने क्या किया, बीच में एक बड़ा सा मोती डाल देंगे।
इस तरीके से करके इसको कट कर देंगे। अब हम इसमें स्टोन लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास पेस्टिंग वाले हैं तो पेस्टिंग वाले लगा दीजिए, अगर टांके वाले हैं तो टांके वाले लगा दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ये इस तरीके से बन जाएगा। नाइस। अब हम इसको बीच में पेस्ट करेंगे। ये बन गई है हमारी सुंदर सी ब्यूटीफुल राखी। अगर आपके स्कूल में भी इस तरीके से राखी के लिए बनाने के लिए बोला गया है तो आप भी बना सकते हैं इजीली।